नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। नैना चौटाला हरी चुनरी चौपाल करने पुंडरी हल्के के गांव करोड़ा में पहुंची, जहां पर महिलाओं को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नैना चौटाला ने कहा कि हरी चुनरी चौपाल जुगलान से शुरू की थी। इसका मकसद महिलाओं से मिलना और उनके हक की आवाज़ उठाना है। आज कहने के नाम पर डिजिटल इंडिया है, लेकिन महिलाओं की समस्याएँ अधिक हैं। विधानसभा में अभय और हुड्डा की बढ़ती नज़दीकियों पर कहा कि इससे अंदाज़ा लगा लो कि पार्टी को तोड़ने में किसका अहम रोल है। जो लोग दुष्यंत पर उंगली उठाते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाथ की चार उंगलियां तो उनकी तरफ भी थी। उन्होंने अभय चौटाला को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताया। बीजेपी के 75 पार के नारे को बोलते हुए कहा कि बीजेपी को चाहिए था कि 75% बेरोजगारों को नौकरी देती। जहां ये 2 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, एवरेज निकाल कर देख लो, मुश्किल से 20,000 लोगों को नौकरी दी है। इन्होंने वेल क्वालिफाइड लड़कों को ग्रुप डी में ले लिया, जिसमें से बहुतों ने तो नौकरी भी छोड़ दी है। विधानसभा में जेजेपी समर्थित विधायकों की हाजिरी को लेकर कहा कि सभी अभी तक अपने अपने पर्सनल कामों में व्यस्त थे, लेकिन अब कल से सभी की हाजिरी 100% रहेगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को चुनकर बेचने का काम करो, क्योंकि जब टिकट्स मिलती और महिलाएं इलेक्शन लड़ती है तो बहुत कम जीत के पहुंचती है वहाँ। इस चीज़ का अभी तक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अभी कम क्यों। मैडम खट्टर सरकार, देखो खट्टर सरकार ने जहाँ से शुरू किया है आज भी वो वहीं खड़ी है। आप बेरोजगारी ले लो, आज लूटपाट, किडनैपिंग है, मर्डर है, मतलब आप, मुझे नहीं लगता कि जो चोई देवलाल के टाइम में हरियाणा था, आज के दिन वो हरियाणा है। मैं तो कहती हूँ आज एजुकेशन इतनी ज़्यादा होगी कि हरियाणा को बहुत आगे निकलना चाहिए था, पर जात पात का जहर जो इन्होंने घोला है उससे तो हम और भी पीछे चले गए आज के दिन। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो कि कौन पार्टी को तोड़ने में किसका अहम रोल है, कौन कांग्रेस के साथ है। जो दुष्यंत पे उंगलियाँ उठा रहे थे ना, वो एक उंगली तो दुष्यंत की तरफ थी, वो चार उनकी तरफ इशारा कर रही थी कि आप जो चार उंगलियों में ताकत है ना, वो आप कांग्रेस के और बीजेपी की बी टीम हो। सपना चौधरी बीजेपी में शामिल हुई है क्या, सिर्फ भेंट? देखो वो एक महिला है, मैं कुछ नहीं कहूँगी सपना चौधरी के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहना है कि क्या भेंट जुटाने पर सीमित है या देखो मैं सपना के लिए एक बात कहूँगी कि वो जो भी उसमें कला है, ठीक है, आदमी देखो राजनीति अगर महिला पॉलिटिक्स में आ रही है, पॉलिटिशियंस बन रही है, तो वो राजनीति उसका पेशा हो गया ना। वो एक डांसर है, वो उसका पेशा है, अगर वो उस चीज़ को लेके पब्लिक उसको पसंद कर रही है तो ठीक है, वो उसका पेशा है। मैं कुछ नहीं कहूँगी सपना के लिए। अब की बार 75 पार का बीजेपी नारा दे रही है, 75 पार का ये नारा दे रहे हैं। इनको कोशिश करनी चाहिए कि 75% आरक्षण देकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी देनी चाहिए थी। आज नौकरी के लिए जो 2 लाख कह रहे हैं, ये भी हम रोजगार देंगे। आप एवरेज निकाल के देख लो, पूरे हरियाणा में नौकरी नाम की चीज़ नहीं है। मुश्किल से 20,000 बच्चों को भी नौकरी नहीं मिली, और एमफिल किए हुए बच्चे ग्रुप डी में तो इन्होंने उन लड़कों को लिए, और कितने सारे बच्चों ने वो नौकरी छोड़ भी दी है ग्रुप डी में से। इस बार विधानसभा में यादव के साथ चल रहा है जी, जेजेपी के जो समर्थित विधायक हैं वो गैर हाजिर है, तो नहीं देखो गैर हाजिर की बात नहीं है, कल हम लोग सारे पहुंचेंगे सेशन में। मेरा तो बहुत लंबे समय से हम लोग ने 30 का रख रखा था, तब तक सेशन डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, अभी 2 को सेशन है। बाकी 3 जो थे उनके भी किसी के कोई घर में फंक्शन था, किसी को कहीं, तो इस करके नहीं पहुंचे वहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब कल सारे पहुंच जाएंगे। जब विधायक शपथ लेता था वो कहता कि मैं निस्वार्थ काम करूँगा और जनता के हित के लिए काम करूँगा। जी, अब आप कह रहे हैं कि अभी घर में काम था, निजी काम था। नहीं, मेरे तो हरी चुनरी चौपाल देखो बहुत पहले की रखी हुई थी, तो इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए हम 30 महोत्सव का फंक्शन रखा हुआ था, तो इतनी औरतों को जब मैं खुद कह के आई हूँ और मैं ही ना पहुँचूँगी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शपथ लेते हैं और जनता की आवाज़, जनता आवाज़ उठाने के लिए वहाँ भेजती है, पर अगर सारे सेशन अटेंड करके और किसी कारणवश अगर विधायक एक ना अटेंड कर सके तो ये तो कोई गुनाह तो नहीं है। हरी चुनरी चौपाल हरी चुनरी से शुरू हुई थी, आज हमने देखा हरी चुनरी देखने को नहीं मिली। नहीं हरे भी, मेरा तो देखो आज कोई फास्ट चल रहे हैं तो हो सकता है, और हमने तो कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा। मोस्टली अगर आप हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स निकाल के देखोगे
तो ज्यादा से ज्यादा, आज हमारे पास एक बुजुर्ग महिला को हमने स्पेशल उसको उनको हरी चुनरी उड़ा रखी थी, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको कोई हमारा ड्रेस कोड नहीं है, ये आपको मैं बता दूं कि जब हमने स्टार्ट की थी तो मेरी फर्स्ट वर्डिंग थी, आप मेरा इंटरव्यू निकाल के देख लो, जब हमने 2 साल पहले शुरू की तो मैंने एक बात कही थी जुगलान से पहले हिसार पार्टी ऑफिस में, कि इससे जब हमारी पार्टी एक ही थी नेलो के साथ थे, कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं होगा, ये बिल्कुल कभी जब भी हम हरी चुनरी चौपाल रखेंगे तो हम ऑफिस से परमिशन नहीं लेंगे, आप मेरा इंटरव्यू निकाल के देखो, मैंने बहुत से, और इसमें कोई ड्रेस कोड नहीं है, नाम रख दिया तो कोई ये जरूरी तो ना ने भी, अब आप बिल्कुल हरा ही बन के वहाँ खड़ा होना हमें। देखो मेरी फर्स्ट वर्डिंग थी कि इसको हम महिलाओं से रूबरू होने का मन चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकल लेके चलेंगे, इसमें दूसरी भी देखो ला नहीं पाए हम, पर मेरा मकसद ये था कि कभी कोई स्पोर्ट्स वूमेन हम लेके आए, कभी कोई और लेडी सोशल वर्कर लेके आए, तो स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने कोशिश की है, पर वो बदलते बदलते ये भी हरी चुनरी चौपाल जो है ना आज एक राजनीतिक मंच बन गया। कोई बात नहीं, हर पार्टी को अधिकार है, चुनरी चौपाल भी कर दिया, ठीक है तो करने दो, मैं तो कहती हूँ बीजेपी को भी करनी चाहिए, अच्छा जितनी महिलाएं हरियाणा में जागरूक होंगी ना उतनी विधानसभा पहुंचेगी, कांग्रेस को भी करनी चाहिए उतनी अधिक, गठबंधन का अभी हमारा किसी से कोई इरादा नहीं है, जब होगा तो आप लोगों को बिल्कुल बुलाएंगे, प्रॉपर लंच करवाएंगे और डिक्लेयर करेंगे।